ते यमुनानगर की गल करांगे जिथे दे पिंड छज्जू नगला दे रहण वाले 10 महीने दे बच्चे हर्षित दे डिगण दे कारण मौत होई। परिवार ने हर्षित नूं बचाउण दीआं तमाम कोशिशां कीतीआं पर असफलता हथ लगी। पहला जिले दे प्राइवेट हस्पताल दे विच इलाज करवाया ते बाद विच चंडीगढ़ PGI भी लैके जाया गया पर गल नहीं बनी। हर्षित ने दम तोड़ दिता। परिवार ने हर्षित की मौत तो बाद उस दीआं दोवें किडनियां ते लीवर डोनेट कर दिता ते मिसाल कायम कीती है। हर्षित दे परिवार दे इस फैसले दी चारे पासे शलाघा हो रही है। के लिए सबसे बड़ी खुशी का पल उस वक्त होता है जब उसके घर में एक बच्चा जन्म लेता है और वह खुशी के पल एक पल में ही ऐसे हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी कई बार ऐसी लगती है कि वीरान हो गई है। मेरे साथ यमुनानगर के गांव छज्जू नगला में एक ऐसा परिवार है जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, 10 महीने तक घर में खेला कूदा और उससे लाड प्यार किया, लेकिन 10 महीने के बाद वो बच्चा एक बार खेलता हुआ अपने बेड से नीचे गिर जाता और उसको चोट लग जाती है। तो मैं सबसे पहले उस बच्चे की माता से बात करूंगा जिसने इस दुनिया से जाकर 2 बच्चों को नया जीवन दिया है। बहन जी क्या हुआ था बेटे को, हर्षित को क्या हुआ? ठीक था जी, वो खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक पता ही नहीं लगा कब बेड से नीचे गिर गया। बस जैसे ही मैंने उठाया उसको, वो थोड़ी सी देर तो रोया, उसके बाद वो रोया नहीं, एकदम से आंखें बंद कर ली उसने। फिर मैंने उसके पापा को बोला कि देखना हर्षित को क्या हुआ, ये आंखें बंद कर ली उसने। एम्बुलेंस में जैसे हम गए, वो तब तो आंखें उसने खोल रखी थी, पूरे रास्ते खोल के रखी उसने आंखें, और वहां पे एडमिट किया तब भी उसने खोल ली, उसके बाद में फिर उसने खोल लिया। फिर डॉक्टर ने बोल दिया था कि हर्षित अब ठीक नहीं है उसकी हालत। बच्चे ने चले जाने के बाद भी अंग दान किए, तो एकदम से कैसे फैसला ले लिया? आप तो माँ हो, सबसे ज्यादा प्यार करती है माँ बच्चे को, किस तरह से फैसला लिया? बड़ा मुश्किल होता है उस समय। हाँ जी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि चलो कम से कम हमारा बच्चा जीवित तो रहेगा, किसी के अंदर उसके अंग किसी के अंदर होंगे तो हमारा बच्चा जीवित तो रहेगा, उनके अंग दान रहेंगे उनके अंदर, जाते जाते वो कम से कम किसी का भला तो करके जाएगा। तो देखिए, माँ बाप के बाद जो दादी और बाबा होते हैं घर में, सबसे ज्यादा प्यार अपने पोते पोतियों को वही करते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर हर्षित की जो दादी है वो उनसे भी बात कर लेता हूँ मैं। क्या हुआ था बेटे को? बेटे को बाद मैं बैठी थी इसको लेकर, तो बहू ने मेरी कहा तो मनु दे दे, अब मेरा बेटा आ गया, ये उसको पानी देने निकली थी बाहर, तो पानी भी नहीं सदन पीना मिला मेरे बेटे को, तो ये दोरा बेड पर बैठाया तो अपनी पैंट बदलाने गया थी, तो जब ही बच्चा नीचे गिर गया तो पापा भी कहे करा था कि मेरा पोता, तो बाबा भी कहे करा था, मम्मा भी कहे करा था, तो बहुत शैल बच्चा था मेरा पोता। 12 तारीख को रात को बच्चा गिर गया था बेड से और इसको मैं लेके गया एक निजी हॉस्पिटल में यमुनानगर, तो फिर वहां 5-6 दिन के लगभग रहा, 5-6 दिन, तो फिर 16 तारीख को मैं यहाँ से उसको चंडीगढ़ ले गया। जब मेरे को लगा ना भी नहीं ठीक नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर अच्छा था पर मेरे को लगा भी नहीं, जब बच्चे को होश नहीं आया क्योंकि 48 घंटे के बाद बच्चे को होश आया था, तो फिर 48 घंटे के बाद उसने एक दिन तो खोली आंखें, उससे अगले दिन फिर आंखें बंद कर ली, तब उन्होंने बताया भी देखो आप अगर अंग दान करना चाहते हैं भी कोई दबाव वाली बात नहीं है, और भी आप अंग दान करके किसी और का भी जीवन बचा सकते हैं, भी हमारे पास 5-6 साल से वेटिंग में होते हैं अंगों के लिए। और फिर मैंने भी सोचा भी नहीं ये सही भी रहेगा क्योंकि बच्चा तो चले ही गया इस दुनिया से, और किसी का जीवन बच जाए अगर इस बच्चे से तो वो उनका काम भी हो जाएगा बच्चे के कारण। तो चलिए उनके दादा से बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो बच्चा जब चलता है तो वो खाने पीने की जो अक्सर चीजें मांगता है अपने सबसे ज्यादा तंग अपने दादाजी को करता है, और यहाँ पर मैं इस वक्त ये थोड़े परेशान जरूर हैं लेकिन जान लेता हूँ फिर भी कि किस तरह से दादाजी किस तरह से लगता है आपको कि हर्षित इस दुनिया में जिंदा है अभी?
देखो जिंदा का नाम ही जिंदा रहा आदमी का, आदमी का तो कोई आई जिंदा नहीं हुआ। चलो भाई हम बस किसी के काम आएगा वो बच्चा, क्या पैसे लिए आया हो ये तो कोई नहीं। तो फैसला लिया इतना बड़ा, क्या आपको पता चल चुका था उस टाइम जब बच्चों ने आपको बता दिया था? हाँ हाँ सारी सलाह ली, हाँ सब ठीक सहमति में। चलो भाई किसी का तो भला हो। तो चलिए निर्णय लेना ऐसे जो स्थिति होती है पोजीशन होती है उस वक्त जो निर्णय लेना होता है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इस परिवार ने टाइम धूप की घड़ी इन लोगों पर बीत रही थी, इन्होंने निर्णय लिया और जो दो लोगों की या दो बच्चों की और जान बचाई और हर्षित को इस दुनिया में जिंदा रखा। गांव छज्जू नगला से कुलवंत सिंह, जी मीडिया।